Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ श्रद्धा and I hope you all are doing good. आज मैं आपके साथ एलोवेरा का फेशियल शेयर करने जा रही हूँ. एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई लुक देता है. हमारी स्किन इससे लाइटन अप एंड ब्राइटन अप हो जाती है. एलोवेरा में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से आपके वो रिंकल्स यानी की झुरियों को भी कम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है और ये आपकी स्किन को ग्लोई लुक देता है. तो चलिए अब हम अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं. फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग. क्लींजिंग के लिए क्लींजर हम एलोवेरा से ही बनाएंगे, तो चलिए अब बनाते हैं. फर्स्ट स्टेप बनाने के लिए हमने एक फ्रेश स्लाइस लिया है एलोवेरा का एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश लेमन जूस. अब हम इसको यूज करेंगे. ये जो क्लींजर हमने रेडी किया है इसके हम इसे अपने फेस पे पूरा क्लीन अप कर देंगे. 2 से 3 मिनट तक करेंगे. पूरे फेस पे अच्छे से करना है. आप नेक पर भी कर सकते हैं. चलिए 3 मिनट हो चुके हैं एंड अब अपना फेस वॉश कर लीजिए. चलिए अब हमारा फेस वॉश हो गया है तो अब हम अपना फेशियल का सेकेंड स्टेप करेंगे, वो है स्क्रबिंग. तो स्क्रबिंग के लिए देखिए हमें क्या चाहिए. स्क्रबिंग के लिए हमने दूसरा एलोवेरा का स्लाइस लिया है एंड अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे यानी कि चीनी ऐड करेंगे. आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं. मैं बस इसमें शुगर ही ऐड कर रही हूँ. चलिए तो इसे यूज करते हैं. चलिए अब हम इसे स्क्रबिंग स्टार्ट करते हैं. अपने फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग करना है इससे. इसको भी 2 से 3 मिनट तक करना है आपको. हनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें. चलिए अब 3 मिनट हो गए हैं, अब आप अपना फेस क्लीन अप कर लीजिए. हमारा क्लीन अप हो गया है तो चलिए अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है मसाज पैक. तो चलिए देखते हैं मसाज पैक हम कैसे बनाते हैं. बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल 1 बाउल में एंड और मैं इसमें डालूंगी बेसन. बेसन आपको 2.5 स्पून लेना है. इसमें मैं ऐड करूंगी गुलाब जल. आप कोई भी ब्रांड का गुलाब जल यूज कर सकते हैं. 1 स्पून गुलाब जल ऐड करेंगे हम. थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस. 1 सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे. मसाज पैक रेडी है. अब हम पैक को अपने फेस पर लगाएंगे. अब इसको मसाज करेंगे 4 से 5 मिनट तक. पूरे फेस पर लगाना है अच्छे से.
5 मिनट तक आप यूं ही मसाज करते रहिए। चलिए मेरे 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम क्लीन अप कर लेंगे। मैंने अपना फेस क्लीन अप कर लिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए बस हमें एक एलोवेरा का स्लाइस लेना है और इसको फोक की हेल्प से ऐसे इसमें छेद कर देंगे हम। अब इसको आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है एज अ मास्क। इसको लगाने के बाद हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। चाहे तो नेक पे भी लगा सकते हैं आप। तो 3 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको क्लीन कर लेंगे कोल्ड वाटर से। मैंने अपना फेस क्लीन अप कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पर। आप इस फेशियल को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा ये फेशियल अच्छा लगा तो प्लीज इसको एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप इस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब के बटन के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं और आपका कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मैं फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।